गन? अच्छा, जैसे पापा के जैसे बिजनेस है तो फिर यू नो इन केस अनबन हो जाए तो गन। क्या ही लटका रखा है तुमने उसको यार, गिरा तो नहीं ना? गाइस, कुछ ही दिन हुए थे हमें घर में, आई मीन कुछ ही दिन भी नहीं, 24 घंटे भी नहीं हुए हमें घर में, और हम दोबारा ट्रिप पर निकल चुके हैं। वो भी कहाँ? मेरे ससुराल। ये क्योंकि की नानी के घर, क्योंकि चीजें चेंज होती जा रही है। पहले वो ससुराल था, मायका था, अब वो ऋषा की नानी के घर। यू कैन गेट लॉस्ट, व्हाई आर यू वेटिंग हियर, गेट लॉस्ट। हम लोग अभी जा रहे हैं अपने ससुराल, मेरे ससुराल, आई मीन गुड, वेरी गुड, यू आर वेरी गुड हार्टेड, दैट यू नो, यू रिमेम्बर नाउ दैट योर सन विल बी थर्स्टी आफ्टर सम टाइम एंड यू डोंट हैव वाटर। बकवास करने की जरूरत नहीं, क्या करना है, ले आओ क्या। तो टुडे वी आर गोइंग टू माय ससुराल टू फ्लाई अ काइट, बिकॉज़ ए तू गियर मत हिला दियो। एक्चुअली आज है 15 अगस्त, तो आप सभी को हमारी तरफ से पूरी क्रे लाइफ गैंग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्यों है ये हमारा इंडिपेंडेंस डे आप सबको पता ही। गजब, आज इतने दिनों बाद मेरे को अपनी गाड़ी चलाने को मिल रही है। पतंग उड़ानी है कि नहीं? गाड़ी को फील तो करने दे मुझे, अपनी कार को। आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है, ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे। पता है गाइस, इस मूवी के बाद मुझे पता चला था कि हमारी कोई इंडियन आर्मी होती है, आई मीन आर्मी नाम की कोई चीज होती है, जो घर से इतनी दूर रहते हैं, हमारे देश की प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली से दूर, हम सबके लिए। हाँ, तो मैं बहुत छोटा था जब मैंने ये मूवी देखी, पापा ने मुझे ये हॉल में दिखाई थी, बॉर्डर। ओ भाई, और ये मेरी अभी तक की फेवरेट मूवी है। किस किस की ये फेवरेट मूवी है बॉर्डर, और किसने कितनी बार देखी है कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मेरे पास काउंट नहीं, मैंने इस मूवी को कितनी बार देखी, मैं अभी भी यूट्यूब पे खोल के कभी कभार देख ही लेता हूँ इसके कुछ सीन्स। ऑलराइट गाइस, पहुंच चुका हूँ मैं अपने ससुराल। आज है 15 अगस्त, ठीक है, बहुत सारी पतंगे उड़ती हैं। फ्लाईओवर पे बच्चे खड़े हुए थे, जो आप अगर नोएडा से फरीदाबाद की तरफ आते हो तो एक फ्लाईओवर आता है कालंदी कुंज वाला भी, वो जिसमें टोल लगता है, वो भी बच्चे ऊपर खड़े पतंगे लूटने के लिए। क्या है? नमस्ते। वो आपको पहचान ही नहीं रहा, इतने टाइम टाइम बाद मिलोगे आप कैसे पहचानेगा आपको। नमस्ते पापा जी। शिल्पा देख उधर, कितनी सारी पतंगे हैं। ओ भाई, अभी क्या है ना, हमारी सोसाइटी में तो पतंगे उड़ती नहीं है, तो हम यहाँ पर आकर इतनी दूर 55 किलोमीटर दूर पतंग उड़ाने आए हैं। अभी इस टाइम हर कोने से आपको आईबो 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 की आवाजें आ रही है, और ये देखो गौरव ने लूटा हुआ मांझा किस तरीके से बांधा जा रहा है, ये लो बी रोल आपके सामने। हाय हाय ऋषि, पतंग उड़ाएगा एक दिन। वाह, क्या पतंग उड़ाई है यार शिल्पा, ये क्या था? मजाक, दैट्स मी ब्लैक, नो रेसिज्म एट ऑल। भाई किसी से मेरे ऑटोमेटिक पेचे लड़े हुए हैं, मेरी पतंग खुद ही उड़ रही है, देखो 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 देखो, ये पतंग खुद जा रही है। काट दी क्या? ले, ये क्या हुआ, उड़ती पतंग ले ली भाई, ऐसा भी होता है। अबे उड़ती पतंग ले ली छत से, कहाँ ले ली? वहाँ पे मेरी पतंग ले ली है, छत पे गई उन्होंने तोड़ के ले ली। वाह, लंगर भी तैयार कर लिया। मैं तो लंगर तैयार करे बैठा हूँ, यहाँ से कोई पतंग आए और ये यही डालो ना, इसमें डालो ना, ये तो गौरव की है, कोई बात नहीं, ये अपने घर में ट्राई लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, घर में नहीं, घर में नहीं, ट्रेनिंग घर से लो, ट्रेनिंग है इस चीज की बचपन में। क्या हुआ? अच्छा, मतलब आईबो कर दी मैंने, आईबो। ये देखो, एक ये, एक ये, और एक वो कोने में छुपा पड़ा है, एक ये सारे यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, और हम दोनों को देखो, वो देखो फोटो खींच रही है। तो और क्या ही करूँ मैं, पतंग बकवास है लेकिन। सुनो ऐसा है, थोड़ी देर इसको संभालो, मैं भी पतंग उड़ा लूँ। पतंग उड़ी नहीं रही ना, तो ऐसे तो पतंगे उड़ रही है। सदी धागा टूट गया, काइट फ्लाइंग प्रोसेस में सद्दी कहते हैं इसको, पता है मुझे, मैंने भी सद्दी बोला। धागा के पापा जल्दी काटो ना, ऋषि के पापा चुप रहे, दया बन जाओ, छोड़ दे तुम। ये देखो, तोंदू तोंदू तोंदू,
पटाखे कौन फोड़ रहा है? तो और पड़ गई है। चलो हाँ तू गाने दे, उड़ाओ भाई। अच्छा अभी 5 मिनट लगेंगे। ओके जी आऊं आई ओ ये ओले ओले शिवा या वो शिल्पा इडियट, लास्ट में शिल्पा इडियट लिखा हुआ इंग्लिश में। वापस लैंड कर गया। ए ए ए चाइनीज माल, चाइनीज माल उड़ गया, गया जाते रहे, नीचे मत आइयो, मतलब कहीं ना कहीं तो नीचे आएगा ही। रुक गया। हाँ अब गया, अब तेजी से निकल गया। कहते लास्ट में हमें बाय करा है बकायदा। बाय। The next day. Good morning guys. 15 अगस्त कल चला गया, खूब हमने पतंगे उड़ाई, मैंने अपना हाथ भी कटवा लिया। बाकी अभी नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे होते ही मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने 12 दिन से जिम नहीं करा यार, पेट आ रहा है यार। शिल्पा वो तो वैसे भी वो कहीं गया ही नहीं था। हाइट के लेवल पे रह कर ना बात किया अगर मेरे से। तुम अपने कौन अंदर करके बात कर, वो क्यों बाहर निकल रहे थे? ए, तुम्हारे यहाँ हमेशा आग क्यों लगी रहती है? देख रहा कितना लंबा जाम है। जाना गाइस, अभी का प्लान पता है क्या है? हमारे हाथ में है ये, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, इसको हम अभी तरीके से ना गिफ्ट रैप पहले करवाते हैं। पैक्ड। अब चलो खेलते हैं मौत का खेल विद मेरी सासुमा एंड विद माई ससुर जी। पर करने वाली ये है, क्योंकि मैं अगर करूँगा ना उन दोनों को शक हो जाएगा। बेटा ढंग से करना ठीक है, नहीं तो ये नाली खोल के घुसा दिए जाओगे उधर, तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस आपकी भाभी का प्लान कुछ ऐसा है कि जब हम घर से निकल रहे होंगे ना, पैक कर रहे होंगे, तो शी विल रियलाइज कि अच्छा मैं कुछ गिफ्ट लाई थी पापा के लिए, मैं वो देना भूल गई हूँ, तो वो उसको निकालेगी और पापा को देगी और उसके बाद होगा आगे खेल। चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। कर लिया पैक। देखो इस बार फिर से मम्मी ने अचार भर दिए हैं। ये कौन खाएगा? ये तो दिया ही नहीं। कि किसके लिए लाए थे तुम? लाए नहीं थे। अच्छा वहाँ पौंडीचेरी से गिफ्ट लाई है पप्पा के लिए। क्या यार मेरे को तो पता नहीं था तो ऐसा कुछ गिफ्ट लाई है। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। ये मेरे पाउच में क्या दे रही तू गिफ्ट? देखो ओ बेटे। हां तो ये आपके लिए लेकर आए ना, आपके जरूरत पड़े कहीं पे। गन कहीं पे? आजकल वैसे ही बहुत लड़ाई हो रही है। अच्छा जैसे पापा का जैसे बिजनेस है तो फिर यू नो इन केस कुछ अनबन हो जाए तो गन। सही है यार, अच्छी थॉट है। बट ये तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसा तो कुछ करने वाली है। मम्मी कह रही पापा नहीं जाएंगे। ला दे मेरे को दे इसको, पापा ने तो वापस रख दी। रख लो क्या? लाइसेंस वाली है। चला के तो देखो एक बार। ऐसा लग रहा है कि पापा को ये नकली है। अभी खाली होगी ना। अरे वो तो दे दे मैगजीन तो दे। आग निकलती है ना पापा जब खाली होती। अरे पापा जी जब खाली होती तो आग निकलती है, और जब मैगजीन होती है उसमें गोलियां होती तब गोली निकलती है ना भाई? ए तुमसे नहीं होता, तुम्हें मेरी तरह करना चाहिए था जैसे मैंने मम्मी पे और तुम पे किया। तुम पे तो खैर क्या ही हुआ था, मैं रॉक एजेंट बन गया था। फिर भी पापा को पता, मतलब तुम हो ही डम, तुमसे हो ही नहीं सकता। तुम्हारे सामने ऐसे घी भी रख दो ना, देसी घी रख के उसके बाद भी तुम वो जो अमूल का बटर होता है ना नमक वाला एक्सपायर्ड, वो चूज करके खाओगी। अबे चल चल, मैं तो सुन के बता दूंगी कि वो गोबर है। पूरे प्लान की ऐसे तैसे करवा दी तेरी माँ। तो कहते हैं पापा से आने हैं, ठीक है? पापा को पहली बार भी पता चल गया। इसको बोलते हैं कि तुम्हें ढंग से करना नहीं आता। मैंने कितने कन्विंसिंग तरीके से मम्मी के साथ किया था, शेड़ खा। ऑलराइट गाइस अपने घर अब निकलते हैं, इतनी गंदी बेइज्जती करवा के। छी यार शिल्पा डिस्गस्टिंग।
तुमसे एक ढंग से मैं प्रैंक पुल नहीं करती, मुझे मेरे पापा से डर लगता है। सीधे सीधे बोलो, फटती है। हर किसी को अपने पापा से डर लगता है, ठीक है। ऋषि संभल के रहियो, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। बाय पापा जी। कल यहाँ से एक डॉगी चढ़ा, देखो इस गाड़ी के ऊपर था, फिर उस गाड़ी के ऊपर से वो अंदर गया, फिर अंदर चल के वो छत पे आया। अच्छा। और छत पे चढ़ के वो उधर गया। हाँ, उनकी जो आंटी दिख रही है इधर ही देख रही है वो भी। यार लेकिन पापा को तो पता ही चल गया। देखो पहली बात मुझे पापा से डर लगता है, दूसरी बात पापा को पता है मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। What did he do? ये क्या रिएक्शन दे रहा है? खैर गाइस, एटलीस्ट वी ट्राइड, तो एक ट्राई करने का लाइक तो बनता है, ठीक है। होपफुली आपको ये 15 अगस्त का व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक इट एंड कमेंट करो कि आपको अपने पापा से कितना डर लगता है, और आप अपने पापा के सामने ये चीज कर सकते हो कि नहीं। विद दैट सेड, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते। बूम बूम।